तो अब देखो हमारे दो ग्राफ्स बाकी हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक किया था, अब दो ग्राफ्स बाकी हैं हमारे। तो उसमें से एक मिनट, उसमें से जो एक ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू sec x का। तो जो sec x का ग्राफ होता है वो sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय cos x। तो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां वहां ग्राफ में क्या आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी। मतलब वहां वहां cos x 0, cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं सेक एक्स के लिए, तो अगर से ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके, सो हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया π/2, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया 3π/2, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया -π/2, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया -3π/2। तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा कि ग्राफ पे वर्टिकल लाइन आ रही होगी। सो पाई बाय टू पे एक वर्टिकल लाइन हो गई, सिमिलरली 3π/2 पे एक वर्टिकल लाइन हो गई, फिर -π/2 पे एक वर्टिकल लाइन हो गई, -3π/2 पे एक वर्टिकल लाइन हो गई। अच्छा यहाँ पे क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या होता है -1। सो एक ग्राफ जैसे ये हो गया, फिर ऐसे हो गया ग्राफ, फिर यहां से भी ऐसे टाइप का हो गया। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -1 वाला पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, +1 वाला। वैसे यहाँ पे से ऐसे ग्राफ आता, और ये वाला जो लाइन होता है, एक और लाइन होता है, ये कौन सा लाइन होता, 5π/2 वाला लाइन। सो अगर तुम ऑब्जर्व करो ना, तो ये लोग ऑल्टरनेट चल रहे हैं। देखो पहले नीचे था, इस दो लाइन के बीच में नीचे था, फिर इस दो लाइन के बीच में ऊपर हुआ, फिर इस दो लाइन के बीच में फिर से नीचे था, फिर इस दो लाइन के बीच में फिर से ऊपर हुआ, ठीक है। सो ना इफ वी डिस्कस अबाउट द ग्राफ, तो इस ग्राफ का जो रेंज होता, रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की। तो वाई की वैल्यू अगर तुम देखो तो यहाँ ऐसे वेरी की, -∞ से -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा सेक एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता, मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ जा रहा होता, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा होता, +∞। और क्योंकि +∞ कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं सेक एक्स की मैक्सिमम कितनी लिखता, डज नॉट एग्जिस्ट और टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अब सेक एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने जाऊं, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक एक्स, तो वो क्या होता, वो -∞ की तरफ जा रहा होता, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता और वो टेंडिंग टुवर्ड्स -∞ होता, ठीक है। अच्छा सेक एक्स के रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसका ग्राफ क्योंकि एक्स एक्सिस को अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए इसके कोई भी रूट्स नहीं होते। सो नो रूट्स एट ऑल, सेक एक्स विल हैव नो रूट्स एट ऑल, ठीक है। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक एक्स।
सर एक मिनट ऊपर करो ना। और ओके सर। हो गया, आगे बढ़ा जाए। सबको समझ में आया? अच्छा, वैसे सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये तीन के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। स्क्रोल स्क्रोल अप करूं? और ऊपर जाऊं? अब देखो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स बचा है, तो कोसेक एक्स क्या होता है? वन अपॉन साइन एक्स। तो जहां जहां साइन एक्स जीरो होगा, मतलब जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा, वहां वहां ग्राफ वर्टिकल होता जाएगा, मतलब वहां पे वर्टिकल लाइन आती जाएगी। साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस टू पाई पे, एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर अपने कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, तो जैसे मान लो ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस टू पाई है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ। ओके, अब देखो इन वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या होगा? जैसे ऐसे हो गया ग्राफ, वैसा ही यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे से माइनस वन, इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में से ऐसे हो गया ग्राफ। इनके बीच में से ऐसे हो गया, इनके बीच में ऐसे हो गए। तो देखो फिर से अल्टरनेट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो इसमें अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि इसका रेंज क्या है, सेक एक्स का रेंज क्या है, तो वही होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी। ठीक है, रेंज के बाद अगर हम लोग से कोई पूछे कि sec x का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई विल से इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सर cosec ना, ओ सॉरी सॉरी, cosec, cosec x, इट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या होता? मिनिमम वैल्यू अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। और इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके कोई भी रूट्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। बात समझा सबने? Yes, everyone. Is this yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, so, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है कि ये तो ग्राफ की बात हो गई, अब मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है जहाँ पे फॉर्मुलेज वगैरह आते हैं। तो तुमको क्या करना है कि अराउंड 2 to 3 पेजेस अभी लीव करना होगा। उस 2 to 3 पेजेस में सर स्क्रॉल अप करो ना, उस 2 to 3 पेजेस में तुम लोग क्या करोगे कि अराउंड हम लोग के पास 25 फॉर्मूलेज होंगे सर। तो उसमें तुम वो लिखोगे एक साथ, एक जगह लिखा जाएगा।
अच्छा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक साथ ही मैं 25 फाउंडर्स लिख दूंगा और क्वेश्चंस कराने बैठ जाऊंगा। अपने क्या करेंगे कि कुछ बंच ऑफ फॉर्मुलेस लिखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अनदर बंच लिखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। एक मिनट है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिस बैक एंड फ्रंट की साइड्स, हाँ साइड्स की पूरा मतलब फ्रंट एंड बैक। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? तो आगे पीछे साइड्स की एक पूरा पेज ऐसे बोल, आगे पीछे मिला के मतलब जैसे यहाँ पे तीन पार्ट में लिख सकते हो, तीन तीन पेजेस छोड़ना है, सिक्स सिक्स स्पेसेस नहीं, थ्री स्पेसेस छोड़ना तुमको। ठीक है ओके अच्छा सो अब देखो, पहला जो बंच ऑफ फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। और तीन पे छोड़ना है ना? हाँ हाँ तीन पे छोड़ना है। तो ये कहाँ पे लिखना है? ये अब तीन पे छोड़ने के बाद लिखना है तुमको, और इसको फिर तुम घर पे जाके क्लास के बाद उन तीन पेजेस में भी लिख दोगे। ठीक है, तो मैं सारे के प्रूफ्स नहीं करूंगा, धीरे धीरे कुछ कुछ के प्रूफ्स करेंगे। देखो साइन हेडिंग कुछ लिखना है? हाँ हेडिंग लिख लो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। सर मैं अभी दो मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक ग्राफ्स के बाद हमें दो से तीन पेजेस छोड़ना। हाँ ग्राफ्स के बाद दो से तीन पेजेस छोड़ना है, फिर दो से तीन पेजेस छोड़ने के बाद अब हम लोग फॉर्मुलेस पे आ रहे हैं। भाई गाना बंद करो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो अच्छा पांचवा होता है टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, एंड सिक्स इज टेन ए माइनस बी इज टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो जैसे मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, इससे थर्ड वाले फॉर्मूले को। अच्छा ऐसे अगर ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करने जाएंगे ना तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हम लोग को प्रूफ करने में इसको ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसको जो है मैं एक दूसरे तरीके से प्रूफ करना तुम लोग को दिखाता हूँ। हाँ तो तुम लोग ने वेक्टर पढ़ा है? हाँ सर। तो उससे प्रूफ करने दिखाता हूँ मैं तुमको। तो कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं अपने? थर्ड वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, कॉस ए प्लस बी वाला। फिर मैं सबको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा कैसे याद करना हम लोग को फॉर्मूलेस प्रूफ। अगर तुमको याद नहीं भी है तो कुछ लॉस नहीं होगा तुम्हारा, फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। अब देखो है क्या कि जैसे से
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, ओ ए से ओ पी एंड ओ क्यू। तो जैसे मान लो जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है, वन है। ये वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ए है, और ये वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब मैंने क्या किया, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ओ पी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम लोग ने जैसे वेक्टर में ये सीखा होगा कि जैसे अगर मान लो ये आर है और ये थीटा है, तो इतने को हम लोग आर कॉस थीटा कहते थे और इतने को अपन आर साइन थीटा। तो नाउ इफ यू सी देन आई कैन राइट पीडी एज वन इंटू साइन ए, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह कौन ले रहा है, वन ले रहा है। और ओडी, ओडी को, ओडी को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू कॉस ए, मतलब कॉस ए बन गया। अच्छा अगर मैं ओपी वेक्टर लिखना चाहूं तो ओपी वेक्टर मैं क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर आई कैन राइट एज ओडी वेक्टर प्लस डीपी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ। लिख सकते हैं ट्राइंगल लॉ से। अच्छा ओडी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर में हम लोग कौन यूज कर, किसको यूज करते हैं, आई कैप को यूज करते हैं। तो कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए, और ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग डी पी, तो साइन ए जे कैप। तो दिस इज व्हाट ओपी वेक्टर, ठीक है। ये काम की चीज है इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ऐसे ही क्या करूंगा, ओ क्यू वैक्टर लिखूंगा। तो ओ क्यू वैक्टर लिखने के लिए सबसे पहला काम, व्हाट आई नीड टू डू इज फ्रॉम पॉइंट क्यू आई नीड टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब जैसे ओ क्यू, एक बार ओ क्यू सब लोग ट्राई करो क्या लिखना चाहिए हम लोग को ऐसे टाइप में। क्योंकि तुम नीचे जा रहे हो ना, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हो। सब लोग अग्री करेंगे कि OQ वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अच्छा सबने क्योंकि वेक्टर पढ़ा है तो डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं OP डॉट OQ लिखूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड OP मॉड OQ इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। विल यू ऑल अग्री? यस सर। अच्छा ओपी और ओक्यू के बीच में मिला के, टोटल मिला के कितना एंगल होता, ये टोटल मिला के कितना एंगल होता, ए प्लस बी। सो आई विल राइट व्हाट, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा जैसे कि कभी भी तुमको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, तो ये तुमने पढ़ा है कि जैसे आई वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है? हाँ। तो वो क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा ओपी मॉड ओपी मतलब ओपी का लेंथ, और ओपी का तो लेंथ कितना है, वन यूनिट है, तो वो क्या हो गया, वन। ओक्यू का लेंथ वन इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज cos of a plus b is cos a cos b minus
साइन ए साइन बी। जरा चेक करो थर्ड वाला फॉर्मूला कहीं यही तो नहीं है? यही है हाँ सर यही। तो ये प्रूफ हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ऐसे ही और भी फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? प्रूफ नहीं, प्रूफ आना जरूरी नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। प्रूफ ना भी आए चलेगा, कहीं भी प्रूफ नहीं आने वाला, ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रूफ आएगा, जेई में तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना यहाँ पे जब फॉर्मूला लेके। ठीक है, अब देखो मैंने ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला वैसे तो प्रूफ कर दिया। अब जो है फॉर्मूला, इन चारों फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक, देखो तुमको ऐसे सोचना है कि साइन जो है ना, साइन मतलब सीधा है, और सीधे लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या आया, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, मतलब साइन कॉस मिलजुल के है। अच्छा यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी वही साइन रखा, प्लस साइन, सीधे आदमी कोई गड़बड़ थोड़े करता है। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी, तो मिलजुल के रहेगा साइन ए कॉस बी, एक हो गया साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, कॉस ए साइन बी, यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अच्छा कॉस, कॉस मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि कर्निंग है ये, थोड़ा चालू टाइप का, तो कॉस क्या करता है, चालू है इसलिए जो है वो थोड़ा ग्रुप बना के रखता है। तो कॉस कॉस एक साथ रहेंगे, साइन 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 एक साथ रहेंगे। अच्छा कॉस ने ये भी गड़बड़ की कि यहाँ पे जो साइन था उसका उल्टा ही काम करेगा, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस। चलो याद हो गए चारों फॉर्मूले, एक बार आंख बंद करके खुद से सोच लो चारों को। ठीक है, अब फिफ्थ फॉर्मूला तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan of a plus b is equal to tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b। ठीक है, इसको प्रूफ करना है यूजिंग इनिशियल फोर फॉर्मूले। और सिक्स वाला प्रूफ करना है tan of a minus b is equal to tan a minus tan b होल अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन। प्रूफ करो जल्दी से।
क्या बोल रहे हैं? हुआ? हाँ सर, हो गया। कितने लोग का हो गया? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो लेट्स डू 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी को अपने क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी होल अपॉन कॉस ए प्लस बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी क्या होता हमारा? साइन ए प्लस बी वुड हैव बीन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड कॉस ए प्लस बी क्या होता? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या किया कि ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर, गुड, ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। तो कॉस ए कॉस बी से जब डिवाइड किया, देखो जब इसको मैं इससे डिवाइड करता तो क्या होता कि कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या? साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट वुड हैव बीन 10a। सिमिलरली दूसरे बार क्या करता, इसको इससे डिवाइड करता तो कॉस ए कैंसिल हो जाता, तो क्या होता? साइन बी अपॉन कॉस बी 10b होल अपॉन कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी डिवाइड किया तो 1, और दिस अपॉन दिस किया तो 10a 10b आ गया। सो ये किसका फॉर्मूला आ गया? 10a प्लस बी का। एकदम सेम वे में हम लोग 10 ऑफ a माइनस बी का भी फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। सो इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिफ्थ और सिक्स फॉर्मूले कैसे प्रूफ करना है? यस सर। याद होना जरूरी है भैया, ठीक है, याद होना जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो जैसे जो ये वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे इन फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? ए प्लस बी या ए माइनस बी वाले फॉर्मूले आर यूज्ड टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। दे आर यूज्ड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री बोले तो मतलब 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा, इनमें से काफ़ी कुछ तो हमको नोन है ऑलरेडी। जैसे हम लोग को क्या क्या नोन है? 30, 45, 60 और 90, ये सब तो नोन है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे जो हमारा टारगेट है ये फॉर्मूले से ऐसे टाइप की चीज फाइंड करना, 15, 75, 105, इनका साइन कॉस ये सब की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, सबको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री उस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या वैल्यू देता है वो याद है ना? उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? जैसे इफ आई क्विकली राइट, अगर मैं 30 लिखूं, 45 लिखूं और 60 लिखूं, तो साइन क्या होता है बताओ? साइन 30 डिग्री क्या होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री 2/3 डिग्री 3/2। देन इफ आई टॉक अबाउट कॉस,
cos 30 degree root 3 by 2 1 by 2 अच्छा 10 अगर 10 के बारे में बात करें तो this upon this 1 upon root 3 1 and root 3 ठीक है अच्छा अगर sin cos 10 पता चल गया तो इनकी reciprocal भी एक तरीके से पता ही चल जाएंगे उसमें कोई इशू तो है नहीं अपने को फाइन सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे मान लो अगर हम लोग से कोई बोले कि इवेल्युएट साइन ऑफ 75 डिग्री क्या इवेल्युएट करना है साइन ऑफ 75 डिग्री तो अपने क्या करेंगे 75 को उन दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे जिसका हम लोग को वैल्यू पता है बस तुम ये मान के चलो कि हम लोग को 30, 45 और 60 पता है और कुछ नहीं पता क्या क्या पता है 30, 45 और 60 डिग्री 30 प्लस 45 सो आई विल ब्रेक इट समथिंग लाइक 30 प्लस 45 अब साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अच्छा साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाय 2 साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 सो रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन 2 रूट 2 यही आंसर है साइन ऑफ 75 डिग्री अंडरस्टूड ये समझ में आया कैसे करना है यस सर अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग को इस बेसिस पे करना है सो क्या सब लोग रेडी हैं करने के लिए चलो तो इवैल्यूएट पहला है टेन ऑफ 15 डिग्री दूसरा है sec of 75 डिग्री ठीक है तीसरा है sin of 105 डिग्री फोर्थ वन क्या लिखूं मैं cos लिख लेता हूं चलो cos of 195 डिग्री चलो इन चारों को इवैल्यूएट करो Can you scroll up? Rationalize करना पड़ेगा
क्या बोल रहे हो? रैशनलाइज करना? नहीं नहीं रैशनलाइज मत करो, सिंपलीफाई, बस जैसे फॉर्म में आ रहा है उतना ही रन दो, ठीक है? चलो सो करते हैं अपने क्वेश्चन, आई होप काफी लोगों ने कर लिया होगा। सो पहला है 10-15 डिग्री,
तो देखो 15 को हम लोग या तो 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, जो चाहो वो लिख सकते हैं। अब इसको tan ऑफ a माइनस b, मतलब tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छा tan 60 डिग्री पता है सबको रूट 3, tan 45 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री, ठीक है ऐसे ही छोड़ दो आंसर, रैशनलाइज वगैरह मत करना। अच्छा सेकेंड पार्ट है sec ऑफ 75 डिग्री। अच्छा sec 75 डिग्री हम लोग को नहीं पता, लेकिन sec 75 डिग्री को हम लोग 1 अपॉन cos 75 डिग्री लिख सकते हैं। फिर 7, अब cos 75 निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 30 प्लस 45, मतलब cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। अच्छा cos 30 इज रूट 3 बाय 2, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, sin 30 इज 1 बाय 2, sin 45 इज 1 बाय। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये तो cos 75 डिग्री आया, तो sec 75 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये अपना आंसर है सेकेंड का। सेकेंड आया समझ में सबको? थर्ड वन साइन 105 डिग्री। ओके अच्छा 105 को कोई क्या लिख सकता है बताओ जल्दी से, 60 प्लस 45। अब कर लोगे इसको साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। अब सबकी वैल्यू पता है पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। ओके नाउ द फोर्थ पार्ट इज कॉस ऑफ 195 डिग्री। अब देखो ये बहुत बड़ा एंगल हो गया 195 डिग्री, तो 195 को ना मतलब हम कोशिश करेंगे ये वाले एंगल को पाई के मल्टीपल्स, मतलब 180 के मल्टीपल्स प्लस सम थीटा में लिखने का। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं अपने। अच्छा कॉस ऑफ अगर 180 का मल्टीपल है तो वो कॉस में ही रहेगा, सप्लीमेंट्री फॉर्म में ही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस या माइनस साइन होगा वो देखना होगा। तो देखो 180 तो ये होता है प्लस 15 डिग्री, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ये टेक्निक समझ में आई सबको, ये वाली चीज हम लोग ने पहले पढ़ी है? यस सर। अच्छा अब बस cos 15 डिग्री एक तरीके से तुमको निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 15 को फिर क्या लिख दोगे तुम लोग, 45 माइनस 30, तो cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30 डिग्री। cos 45 इज 1 बाय रूट 2, cos 30 इज रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, और यही हमारा क्या है आंसर है। सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक सेकंड स्क्रॉल अप कर रहा हूं। कौन से क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में ही? यस। बाय।
ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो ए प्लस बी जो है अगर 45 डिग्री है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करोगे tan a plus tan b plus tan a into tan b Answer is 1. Good. Very good. देखो क्या है अपना A plus B 45 degree है तो हम लोगों ने क्या किया दोनों साइड 10 ले लिया तो 10 ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा 10 ऑफ 45 डिग्री अच्छा 10 ऑफ ए प्लस बी मतलब 10 ए प्लस 10 बी होल अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी और 10 45 डिग्री 1 है अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी इसको इधर भेज दो तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी क्या हो जाएगा दैट विल बी व्हाट 1 यही हमारा आंसर है सबको आया समझ में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर है यस सर यस यस सर किसी को डाउट एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या क्वेश्चन करोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन वन डिग्री इंटू वन प्लस टेन टू डिग्री इंटू वन प्लस टेन थ्री डिग्री ऐसे ही ये कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस टेन फोर्टी फोर डिग्री तक ठीक है ये कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस टेन फोर्टी फोर डिग्री तक
सर आप बता दो सर, ये प्रोसीड कैसे करना है समझ नहीं रहा। नहीं समझ में आ रहा सर, इसका आंसर 1 है। नहीं नहीं 1 सर, इसका आंसर 2 raised to 22। यस गुड, वेरी गुड। इसका या 2 raised to 22 सर मेरा। देखो होता क्या है कि एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो उस केस में 1 plus 10a into 1 plus 10b इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 2 होगी। और बहुत आसान है उसको प्रूफ करना, ठीक है। कैसे, जैसे 1 plus 10a into 1 plus 10b, देखो ये क्या बनेगा, 1 plus 10a plus 10b plus 10a into 10b। अच्छा अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि अगर a plus b 45 डिग्री होता है तो 10a plus 10b plus 10a into 10b is equal to what, 1। इसका मतलब इस चीज की वैल्यू क्या होती, 1 होती, और पहले से भी 1 है तो 1 plus 1 क्या हो जाता, 2। इतनी बात समझ में आई सबको कि इस रिजल्ट को याद रखोगे तो थोड़ी लाइफ में आसानी होगी तुमको कि इफ a plus b is 45 डिग्री देन 1 plus 10a into 1 plus 10b will be what, 2। अब देखो अगर तुम जैसे पेयर बनाते जाओ, ऐसे वाला पेयर बनाओ ये, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो क्या यहाँ पे ए प्लस बी 45 डिग्री है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। यस सर। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा। फिर अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री होता और इधर 43 डिग्री वाला टर्म आता तो उनका भी 2 और 43 मिलके क्या बनते, 45 बनते, उनका भी प्रोडक्ट क्या होता, 2 होता। आई बात समझ में। अच्छा अब देखो टोटल 44 टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, 44 टर्म्स हैं। कैसे पता चला, 1 डिग्री से स्टार्ट किया और 44 डिग्री पे खत्म किया, तो उसमें पेयर्स कितने बने, पेयर्स तो 22 पेयर्स बने, और हर एक पेयर जो है वो आंसर क्या दे रहा है, 2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 2 into 2 into 2, कितने टाइम्स, 22 टाइम्स, विच विल बी 2 to the power 22। ये सबको समझ में आया इस क्वेश्चन का सलूशन? यस सर। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, क्लियर कर लो भाई। रोहित, रोहित आया समझ में तुमको? रोहित, रोहित पी सीवुड फ्रॉम सीवुड। हाँ सर। ओके हर्षद समझा? हाँ सर। गुड। तो देखो फॉर्मलेस तो वही है, गिनती गिने चुने, लेकिन उसके ऊपर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन गए। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, तुम टर्म्स को कैसे अरेंज करते। अच्छा हम लोग ने 6 फॉर्मुलेस पढ़े, अब 7th, 8th और 9th वो फॉर्मुलेस भी हैं और वो तुमको प्रूफ भी करना है। प्रूफ दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा,
and tan of minus theta is equal to minus 10 theta. This you have to prove. Jaldi jaldi karo. सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा Done. Okay. So देखो बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का. जैसे हम लोग को पता है ना कि साइन ऑफ ए प्लस बी सॉरी साइन ऑफ ए माइनस बी वो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करो ए की जगह जीरो पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू साइन जीरो कॉस बी माइनस कॉस जीरो साइन बी. अच्छा साइन जीरो कितना होता है जीरो और कॉस जीरो वन. ठीक है. सो व्हाट विल आई गेट आई विल गेट साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी. ये इसको याद रखना है तुमको इस फॉर्मूले को. ऐसे ही हम लोग कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड टेन ऑफ माइनस थीटा को प्रूव कर सकते हैं. समझ में आया कैसे करना है एवरीवन. ये समझ में आया बात. यस सर. यस सर. ओके गुड. अब आगे देखो तो हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हो गए. हमारे पास तुम लोग समझो कि 9 फॉर्मूलेज हो गए. अब जो नेक्स्ट सेट है वो है डबल एंगल फॉर्मूला. ठीक है. तो डबल एंगल फॉर्मूले में
पहला आता है बारी किसकी, साइन टू ए की, साइन टू ए। तो साइन टू ए का दो फॉर्मूला होता है, टू साइन ए कॉस ए, और यही जो है उसके बराबर भी होता है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। मतलब ये एक तरीके से टेंथ फॉर्मूला हो गया हमारा। इलेवेंथ फॉर्मूला कॉस टू ए। हाँ सर, वो जो अपने वो समझे थे ना वन प्लस टेन वन और वन प्लस टेन टू वाला, हाँ सर, उसमें आपने दिया था क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री? नहीं वो नहीं दिया था, लेकिन जब तुम जैसे इसको ए मान लो और इसको बी मान लो तो 1 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ऐसे ही इधर 2 डिग्री मान लेते, इधर 43 डिग्री मान लेते, तो ए प्लस बी कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा cos 2a जो है वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos is equal to 2 cos square a minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square a and is equal to 1 minus 10 square a whole upon 1 plus 10 square a। ठीक है, और tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, 2 tan a whole upon 1 minus 10 square a। अब इन सारे फॉर्मूलेस को प्रूफ करो किसकी हेल्प से, वो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तुमको कैसे जाना है, पहले यहां से यहां जाना है, उसके बाद यहां से यहां आना है, ऐसे। सो प्रूव ऑल ऑफ देम। सर वो cos 2a के हम लोग को सारे फॉर्म्स याद करने हैं, सारे जितने भी लिखे हैं सब कुछ याद होना चाहिए हमको, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए अपने। चलो सो पहला वाला करते हैं अपने, सबसे पहले तो साइन टू ए, ठीक है, तो साइन टू ए को क्या लिख लिया, साइन ऑफ ए प्लस ए, इसको क्या लिखा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये क्या बन गया, टू साइन ए कॉस ए। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि ऊपर और नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
सो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, देखो टू साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट टू टेन ए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन टू ए के दोनों फॉर्मूले हमारे क्या हो गए, प्रूव हो गए, बोथ द फॉर्मूलेज ऑफ साइन टू ए आर प्रूव्ड, ठीक है। अब बारी किसकी है, बारी है कॉस टू ए की, तो कॉस टू ए को फिर से वही लिख लो, कॉस ऑफ ए प्लस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो ये पहला वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया कॉस टू ए। अच्छा अगर फोर्थ वाले में तुमको जाना है, अगर तुमको फोर्थ वाले में जाना है तो इसमें ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब नीचे एक तरीके से वन है ना, ऊपर जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बन गया, वन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर है, और नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर ए बना, और सेक स्क्वायर ए को हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखे, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया। अच्छा अब सेकंड और थर्ड वाले को प्रूव करना बहुत आसान काम है, जैसे हमारा कॉस टू ए ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लो, तो बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये जो है तुम्हारा थर्ड वाला आ गया। अच्छा अगर सेकंड, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला आ गया, और अगर तुमको थर्ड वाला लेके आना है तो कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो, मतलब ये क्या बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो ये थर्ड वाला। तो सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग को याद करके रखने हैं, कॉस टू ए के चार फॉर्मूले, पहला कहाँ गया, पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा टेन टू ए का एक ही फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, टेन टू ए को टेन ऑफ ए प्लस ए लिख लिया हम लोगों ने, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन ए प्लस टेन ए होल अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए, सो टू टेन ए होल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, समझे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन टू ए का। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस सर। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग को याद होने चाहिए। अच्छा अब सबसे पहली बात कि ये टू ए वाला फॉर्मूला यूज कहाँ पे होता है हमारा, तो जो हमारे टू ए वाले फॉर्मूले होते हैं ना वो जनरली जैसे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जनरली 15 डिग्री के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए है ना, तो 2a वाले फॉर्मूले जो है, मतलब 2a वाले फॉर्मूले का क्या मतलब है, डबल एंगल फॉर्मूला, और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल, अच्छा कर रहा हूँ, आर यूज टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ
मल्टीपल ऑफ 22.5 डिग्री. कैसे बताता हूं. हाँ, कहां पे स्क्रॉल करके जाना है. हो गया. यस सर. ओके. तो हाँ, अब अगला नोट ये है कि टू ए वाले जो फॉर्मूले हैं वो 22.5 डिग्री के मल्टीपल्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है. तो कैसे यूज करेंगे हम लोग वो देखो जरा. 22.5 के मल्टीपल्स का क्या मतलब है. 22.5 के मल्टीपल्स का मतलब है 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 77.5 डिग्री, 77 नहीं, 67.5 डिग्री. अच्छा, ये सब तो हम लोग को ऑलरेडी नोन है. मतलब एक तरीके से इन लोग को फाइंड करने की जरूरत पड़ती है हम लोग को. सो अब जैसे मान लो कि से आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड साइन ऑफ 22.5 डिग्री. ठीक है. साइन 22.5 डिग्री इसको फाइंड करना. तो अब होगा क्या कि जैसे जो कॉस 2a होता है तो कॉस 2a का एक फॉर्मूला ये भी होता है, 1 - 2 sin² a. ठीक है. तो यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि जो चीज यहां पे लिखी हुई है उसका हाफ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. तुमको ये नहीं सोचना कि जब तक यहाँ पे 2a लिखा रहेगा तभी हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे. मतलब तुमको ऐसा सोचना है कि cos ऑफ कुछ भी दैट विल बी इक्वल टू 1 - 2 sin² दिस कुछ भी बाय 2. अंडरस्टूड दिस थिंग. ये बात समझ में आई. सो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि जब यहां पे एंगल 2a होगा तभी वैलिड होगा. ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड कर सकते हैं. बस करना क्या है कि यहां पे जो चीज लिखी है उस फॉर्मूले में यहां पे दिस बाय 2 कर देना. तो हम लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, cos 45 डिग्री लिख लेते हैं. तो वो क्या आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 45/2, मतलब साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री. अब कॉस 45 डिग्री कितना होता है सबको पता है, वो होता है 1/√2. इसका मतलब कि 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 1/√2. मतलब √2 - 1/√2. सो इससे साइन, अब 2 sin² 22.5 डिग्री क्या आ गया, 2 को इधर लेके चले गए, मतलब √2 - 1/√2. सो साइन 22.5 डिग्री क्या आता. ऐसे तो हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए √√2 - 1/√2, क्योंकि जब से x² = 4 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x = ±√4. तो अब ऐसा थोड़ा कि साइन 22.5 डिग्री दो आंसर दे दे, एक प्लस भी दे दे और एक माइनस भी दे दे, इसमें से कोई एक ही देगा. तो वो कौन सा देगा, तुमको ऐसे सोचना है कि 22.5 डिग्री तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. 22.5 डिग्री इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल.
तो उसका साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन वाला टर्म लिया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई। सबको आई बात समझ में? हाउ डिड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री? यस सर। सब लोग कमेंट करो जल्दी से एक बार। वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करोगे जल्दी से बताओ? 10 22.5 डिग्री, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करो 10 22.5 डिग्री को। सर ऊपर स्क्रॉल करो। साइन 22.5 का याद करना है क्या? नहीं नहीं याद नहीं करना। याद किसका किसका करना मैं बताऊंगा, ठीक है? मतलब 30 30 45 60 0 90 डिग्री ये सब तुमको 9 10 से याद है, उसके अलावा और किसका याद करना है वो मैं बता दूंगा। चलो हुआ, इसको भी वैसे ही करना है। देखो cos 2a का फॉर्मूला 10 स्क्वायर में भी होता था, सेम फॉर्मूला था ना, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका हाफ यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। अच्छा cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो इससे जो है रूट टू माइनस रूट टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया। cos क्यों लिया? हाँ तो cos क्यों लिया? आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ना। cos 45 डिग्री, cos का हम लोग को फॉर्मूला 10 में पता है ना, तो हम लोग को 10 22.5 डिग्री ही निकालना है। वैसे उससे भी निकाल सकते थे कि 10 2a वाले फॉर्मूले से 210 a होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, लेकिन उसमें पता है क्या हो जाता, उसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता हम लोग को। हाँ सही प्रॉब्लम है ना, उससे पता नहीं।
So 10 square 1 plus root 2 is equal to root 2 minus 1. क्यों लिया? क्या हुआ? T मतलब 10 square लिखा है. बार बार 10 नहीं लिखना चाहता मैं. T 10 को T लिखी है. So 10 square 22.5 degree का क्या मतलब है? Root 2 minus 1 upon root 2 plus 1. ठीक है. अच्छा अगर इसको मैं रैशनलाइज करूं, इफ आई रैशनलाइज दिस, क्या आएगा रैशनलाइज होके? ऐसा आ जाएगा. तो मतलब एक तरीके से रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया? वन. विल यू ऑल अग्री कि ऐसा कुछ होगा? टेन स्क्वायर 22.5. तो 10 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? रूट टू माइनस वन. ठीक है. और इसको याद करके रखना है तुमको. सो किसको याद करके रखना है? 10 22.5 डिग्री को याद करके रखना है. आगे बात समझ में? अपने 10 20 रूट टू माइनस वन क्यों किया? रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया. ठीक है. ऐसे ही जो 1067.5 डिग्री होता है वो क्या होता है? रूट टू प्लस वन. दिस ऑल्सो वी हैव टू मेमोराइज. ये भी हम लोग को क्या करना होगा? मेमोराइज करना होगा. ठीक है. समझा? यस सर. अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो. दोनों वैल्यूज को मेमोराइज करना है. हाँ हाँ लिखा है ना. जिसको भी याद करना होगा उसको मैं बॉक्स में बनाऊंगा और सामने लिख दूंगा मेमोराइज. चलो प्रूव दैट कॉट ए माइनस टेन इज टू कॉट टू है. सर ये 13 फॉर्मूला है सर. ये 13 वाला फॉर्मूला है क्या?
चलो करते हैं. सो कॉटे माइनस टेन है, तो कॉटे को क्या लिख लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए. टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए. अब एलसीएम ले लिया तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अच्छा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू ए का. अच्छा साइन ए इंटू कॉस ए दिखा, कभी भी तुमको साइन ए इंटू कॉस ए दिखे ना तो तुमको किसकी याद आ जानी चाहिए, टू साइन ए कॉस ए वाले फॉर्मूले के. लेकिन उसके लिए तो टू भी होना चाहिए था, तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू साइन ए कॉस ए क्या बन गया, साइन टू ए. अब कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए ये क्या होता है, कॉट टू ए. तो टू कॉट टू ए, हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव हो गया. और इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को मेमोराइज करना है इस फॉर्मूले को, मतलब इसको एज अ रिजल्ट याद करना है कि कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू टू कॉट टू ए. ठीक है क्या हुआ, नीचे स्क्रॉल करो. ठीक है अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए. Prove that 10a plus 2 10 2a 4 10 4a 8 10 8a is equal to cot a minus 16 cot 16 है. समझ में आई बात, ठीक है. दिस यू हैव टू व्हाट टू दैट 10a plus 2 10 2a plus 4 10 4a plus 8 10 8a is equal to cot a minus 16 cot 16 है. ये होमवर्क क्वेश्चन है, को ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो तुमको सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करके आने हैं. ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में आधे अधूरे फॉर्मूलेज याद हो. सब लोग फॉर्मूलेज याद करके आएंगे? यस सर. ओके चलो, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपका मैथ्स लेक्चर ओवर हो गया है.